जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के ऐसे टर्म शॉर्टकट से। मानव शरीर की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है, वो है 8। ये हमारी जो खोपड़ी है ये 8 जोड़ों से मिलकर ये हमारे ब्रेन को क्या है, ढकती रहती है, मजबूती प्रदान करती है। मनुष्य का हृदय धड़कता है एक मिनट में 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर का, जो हम सांस लेते हैं, एक मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। बच्चों में क्या होता है, छोटे बच्चों में 25 से 26 बार सांस लेते हैं एक मिनट में। सबसे बड़ी हड्डी हमारे जांघ की होती है, जिसको हम फीमर कहते हैं। सबसे छोटी हड्डी हमारे कान की होती है, स्टिफिस। मानव का सबसे कठोर तत्व एनामिल होता है। मनुष्य का जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर 120/80 120/80 mmHg। मनुष्य के हृदय में जल की मात्रा 65 से 80% रहती है। मानव रक्त का pH 7.4 होता है। रक्त को शुद्ध करता है किडनी, यानी विकी जिसको बोलते हैं। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है हमारे पैरों में। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से, प्रोटीन जो हमारे बॉडी ढांचा को प्रदान करता है। विटामिन ए संचित रहता है हमारी या कितने लीवर में। लार में पाए जाने वाले एंजाइम है टाइलिन। मूत्र से दुर्गंध आती है यूरिया के कारण, जिसमें क्या होता है, हमारा अमोनियम एसिड होता है। मानव शरीर मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है हमारे यूरिन का। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कहती है 206 होती है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र का क्या होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। सबसे छोटी ग्रंथ क्या होती है हमारी, प्यूटी ग्रंथ, जिसको मास्टर ग्रंथ कहते हैं। यह हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल में रखती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत होती है, जिसको हम लीवर कहते हैं। लिंग निर्धारण करता है पुरुष के क्रोमोसोम से। पुरुष का जो क्रोमोसोम होता है वही लिंग निर्धारण करता है कि मेल या फीमेल बच्चा होगा। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 या 23 जोड़ी हम कह सकते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, अगर हम बाह्य अंग की बात करें तो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। पित्त स्रावित होता है कहाँ, हमारे यकृत से। लीवर क्या करता है, हमारे पित्त को बनाता है और पित्त की थैली में स्टोर करता है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, भोजन का अगर पचना सरल होता है तो हमारे पहले ही मुख से ही जो हमारे स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है वहां से पचन चालू हो जाता है। ब्लड बैंक कहते हैं इसमें या क्लिया को। श्वेत रक्त कण को कहते हैं क्या, ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 120 दिन या 3-4 माह कह सकते हैं, 4 माह। लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा। मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। मानव शरीर में एम्लो की संख्या कितनी होती है, 10। अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, 10। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी। मनुष्य का हृदय 4 चैंबरों में बड़ा होता है। शरीर का ताप नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। मनुष्य के शरीर में आरबीसी कितना होता है, 18 mg प्रति ml।